और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम अपडेट्स एंड डिलीट का फंक्शन देखेंगे कि आप किसी भी डेटाबेस में अपडेट और डिलीट ऑप्शन को कैसे यूज कर सकते हैं और आप अपने डेटाबेस में किसी भी कॉलम, किसी भी रोज या फिर किसी भी अपने अगर जो है तो कोई भी आपके पास डेटा है तो उसको आप कैसे डिलीट कर सकते हैं या फिर उसे जो है तो अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं PHP एडमिन में आता हूँ और PHP एडमिन में मेरे पास यहाँ पे जो है तो यूजर में मेरे पास जो है तो कस्टमर के नाम से मेरे पास यहाँ पे देखें एक डेटाबेस बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे SQL पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ सिंटैक्स लिखता हूँ जो कि अपडेट्स और डिलीट के नाम से। अब अपडेट और डिलीट दोनों में वेयर का यूज बहुत ज्यादा है और वेयर के बगैर अगर आप कोई भी सिंटैक्स इसमें लिखेंगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा, जितना भी आपका डेटा होगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। या फिर डिलीट करना चाहें, आपने अगर एक स्पेसिफिक जगह उसको नहीं बताई, मीन एक रो नहीं बताई कि कौन सी रो का डेटा जो है चेंज करें, तो ये कंप्लीट आपका जितना भी डेटा होगा उस टेबल के अंदर सारे के सारे को अपडेट कर देगा या फिर डिलीट कर देगा। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यूजर में मेरे पास कस्टमर जो है यहाँ पे आप देखें अगर, तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है तो रो नंबर जो मेरे पास है यहाँ पे 9, मीन आईडी जो मेरे पास 9 है, मैं इसका डेटा चेंज करना चाह रहा हूँ। या फिर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि ये बाबर अली जो है मेरे पास यहाँ पे जो 13 है इसमें देखिए बाबर अली दिया हुआ है, तो मैं इसका नाम चेंज करना चाह रहा हूँ। तो रो नंबर मेरे पास कौन सी है, 13 है, ये स्पेसिफिक जगह जिसका मैंने नाम देना है इसको जरूर। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे SQL में जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, अब मैं इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ। पहले अपडेट के लिए मेरे पास जो सिंटैक्स है वो अपडेट के नाम से ही है, इसको पहले यहाँ से खत्म करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा अपडेट। आप अपडेट मैंने क्या करना है, अपडेट मैंने कौन से टेबल में से करना है, कस्टमर के टेबल से करना है, क्या चीज़ अपडेट करनी है, और अपडेट करने के लिए मैंने जो सेट रखना है, सेट मेरे पास यहाँ पे एक और सिंटैक्स आ गया कि वैल्यू आपने कौन सेट करनी है, फर्स्ट नेम मैंने चेंज करना है, बेसिकली सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू और डबल कोटेशन के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है नेम, फर्स्ट नेम आप क्या जो है तो चेंज करना चाह रहे हैं, जो नाम से करना है। तो मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है, ओपन करके आपको बताता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे 13 है उसमें बाबर नाम है, जो फर्स्ट नेम मेरे पास क्या है, बाबर है, तो मैं इसको जुनेद कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, फर्स्ट नेम इसको दे देता हूँ मैं जुनेद, और अब जुनेद कहाँ पे मैंने नाम चेंज करना है, बाबर की जगह नाम चेंज करना है, तो कौन सी जगह, वहां के लिए मैं यहाँ पे टाइप करूंगा वेयर, वेयर का सिंटैक्स यूज करूंगा वेयर आईडी, कौन सी थी मेरे पास आईडी मेरे पास है वो 13, आईडी मेरे पास क्या 13 है, आईडी इक्वल टू 13 और सेमीकॉलन डाल दिए। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो मेरे पास जो 13 नंबर आईडी है उसमें बाबर अली नाम है, बाबर है फर्स्ट नेम, इसका नाम मैंने चेंज करना था तो मैं यहाँ पे मैंने ये दे दिया और मैं यहाँ से गो पे क्लिक करूंगा, तो देखें ये कंप्लीट हो चुका है मेरे पास, और मैं यहाँ पे कस्टमर को मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें मेरे पास क्या आ गया, 13 में जुनेद आ गया। तो पहले मेरे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरे पास हामिद था मेरे ख्याल से, इस तरह कोई और नाम था, तो अभी ये क्या हो गया, अपडेट हो गया, जुनेद हो गया। इसी तरह अगर आपने जो है तो और भी डेटा जो है तो उसमें आपने उसे अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, अपडेट करने के मैं यहां पे टाइप करूंगा अपडेट, क्या अपडेट करना चाह रहा हूं मैं, कस्टमर टेबल जो है उसमें से मैंने वैल्यू को सेट करना है, फर्स्ट नेम को अपडेट करना चाह रहा हूं जो कि मेरे पास क्या है, उसे मैं करना चाह रहा हूं फर्स्ट नेम को जी, डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो है लास्ट वाला वकास है इसका नाम मैं चेंज करता हूँ, तो ये मेरे पास 15 रो में, तो इसका फर्स्ट नेम चेंज करूंगा, फर्स्ट नेम मैंने क्या कर देना है, वकास की जगह में कर देना है वजाहत कर देता हूँ, कॉमा ईमेल भी चेंज करना है, और ईमेल चेंज करता हूँ मैं वजाहत अली @gmail.com, कहां पे वेयर आईडी कौन सी है,
आईडी है 15 और इसको मैं क्या कर देता हूं, गो करता हूं। ओके, तो ये अपडेट हो चुके हैं। अभी आप यहां पे आप देखें तो लास्ट में जो था मेरे पास वजाहत अली, और उसका देखें ईमेल एड्रेस भी चेंज हो चुके हैं, देख सकते हैं। तो ये था आप किसी भी डेटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं। इसे डिलीट करना है तो मैं वजाहत को डिलीट करना चाह रहा हूं, तो डिलीट करने के लिए यहां पे स्क्रिप्ट में जाऊंगा और यहां पे डिलीट के लिए सिंटैक्स टाइप करूंगा डिलीट फ्रॉम कस्टमर से मैं डिलीट करना चाह रहा हूं। वेयर क्या चीज डिलीट करना चाह रहा हूं, आईडी इक्वल टू 15 है मेरे ख्याल से, तो आईडी मेरे पास है 15। अब मैं यहां पे जाके, अब यहां पे अगर आप देखें तो मेरे पास 15 जो है वजाहत के नाम से, तो इसको डिलीट करना चाह रहा हूं, आईडी 15 लिखा और मैं यहां पे गो पे क्लिक करता हूं और ओके करूंगा मैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो 15 नंबर वाला डेटा मेरे पास क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। तो ये बेसिकली क्या फंक्शन था डिलीट का। अगर आप वेयर नहीं लिखेंगे, आप लिख के देख लीजिएगा एक सिंपल सा डेटाबेस बना के, क्योंकि मैंने तो इस पर बहुत ज्यादा काम किया इसलिए मैं नहीं कर रहा। तो अगर आप आईडी नहीं लिखेंगे या लोकेशन नहीं देंगे उसको, तो वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, डेट चेंज हो जाएगा। मैं यहां पर इस तरह करता हूं कि आईडी नहीं लिखता लेकिन मैं डेटा में जो है तो अपडेट करना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पर टाइप करता हूं, यहां पर मैं टाइप करता हूं। ओके, तो मैंने यहां पर देखिए सिंटैक्स टाइप कर लिया लेकिन मैंने आईडी पे नहीं दिया, मीन के मैंने इसे वेयर, मैंने नहीं कहा कि कौन सी आईडी को चेंज करे, वेयर का मैंने सिंटैक्स यूज नहीं किया। तो मैं यहां पे गो पे क्लिक करूंगा, तो अब आप देखें यहां पे तो मेरा सारा का सारा जो डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं यहां पे कस्टमर पे क्लिक करके वो बताता हूं, सारा का सारा देखें फर्स्ट टाइम जुनेद हो गया, तो मैं इसको रिसेट कर दूंगा। तो अगर आप डिलीट करेंगे तो इसी तरह, अगर आपने इसको वेयर का सिंटैक्स यूज नहीं करेंगे तो सारा का सारा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहां तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीजों को भी डिस्कस करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।